दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय हर लम्हा बन जाए मन पसंद एंड को स्पॉन्सर्ड बाय बेक पार्लर रेसिपी मिक्स मसाला मिलाए और मजेदार बारबेक्यू मैकरोनी तैयार। वेलकम बैक दोस्तों, और मैंने ये किया कि बिरयानी का जो सूप तैयार हो गया था, यानी मसाला तैयार था, अब आपने तो ज़ाहिर है मटन को गलाना होगा और गलाने के बाद एक कप आपने सूप उसके अंदर रखना होगा। मगर मैंने ये किया कि मटन चूंकि गला था, दही का मसाला भुन चुका था, प्याज मेरे पास ब्राउन थे, तो बिल्कुल शॉर्टकट सब काम किया और मैंने जो मेरे पास यखनी तैयार थी उसका एक कप डाल दिया है। ऊपर मैंने एक कन्नी के उबले हुए ये चावल डाल दिए, आधा कप मैंने डाला है इसमें नीम गर्म दूध, बहुत बेहतर होगा ज़ाफ़रान अगर आपको मिल जाए तो वो डालें, अगर नहीं है तो फिर आप जर्दे का रंग डालें इस तरह से, और आखिर में आप डालेंगे इसके ऊपर तली हुई तेल में प्याज ब्राउन, और उसके अलावा दोस्तों आपने डालने हैं ये उबले हुए बादाम, और जो कि उबले हुए और तले हुए बादाम हैं, इसको डाल के हम बस इसको रखते हैं दम पे। नीचे मैंने जो एक तवा रख दिया है और अब ये दम पे रह पकेगी तकरीबन 10 मिनट के करीब और बहुत लजीज बिरयानी इस तरह तैयार हो जाएगी। नुसरत साहिबा आपने भी सीख लिए मज़े की बिरयानी। हमारे साथ हमारे एक व्यूअर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो हमें क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराह आसमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप आसमा? ठीक है, खैरियत से? डॉक्टर आसमा हमारे साथ हैं जी, ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुबारक हो आपको आज़ादी का दिन। आपको भी मुबारक हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और सुबह मैं देख रही थी टीवी पे सॉन्ग आ रहे थे ना मिली नग में, इतना इमोशनल हो रही थी, बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं ना जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं आपसे भी शेयर करूँ। और अभी लाइट है नहीं, देख नहीं रही थी शो। अच्छा चलें, आप आज से देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नुसरत, बिसाइड्स पॉलिटिशियन होना और एक बेगम होना, एक माँ होना, मगर एक हर खातून का, हर इंसान का एक बचपन होता है, आप बचपन में आज़ादी कैसे मनाती थी? बचपन तो जब भी बचपन की बात होगी तो एकदम से चेहरे पे ना एक रौनक सी आ जाती है। बचपन के दिन अक्सर जब कभी रात को लेटते वक्त एकदम से पीछे ख्याल जाते हैं तो फिर बचपन के दिन याद आते हैं, फिर इंसान वो सोचता है बचपन में हम आज़ादी। अब तो वाकई में मैं मिस कर रही थी, आज भी बस जब बाहर निकले तो बहुत काफ़ी सुनसान सा नज़र आ रहा था, सन्नाटा था। जब हम लोगों का बचपन था तब तो हर स्कूल में हर जगह आपको ना वो झंडियाँ और बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए और स्कूल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, नजर आते थे, और स्कूल में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती थी, बहुत ज़्यादा। और हमें वो याद है कि हम खास तौर पे हम पे पाक फौज की वो देखते थे, परेड होती थी, वो सारे एक जो सीन थे वो अब तक आँखों में हमारे वो जज्ब हैं, तो वो अब मिस कर रहे हैं। स्कूलों में भी अब वो चीज़ नहीं, खासतौर पे 14 अगस्त को एक छुट्टी का दिन समझ के मनाया जा रहा है और अब स्कूलों में वो चीज़ नहीं है, खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं। एक रेजोल्यूशन पास करा है इस बारे में, व्हाई नॉट कि मुल्क के बारे में जाना और मुल्क से मोहब्बत करना, ये बहुत हमारी खासतौर पे जो हमारी यंग नस्ल है ना, यूथ है, उसको इस चीज़ पे हम लोगों ने लाना है कि ये हमारी इकदार है, ये हमारा, हमने किस तरह आज़ादी हासिल की, ये तो हम लोगों ने भी वो सीन नहीं देखे लेकिन हम लोगों ने अपने वक्त में बहुत करीब से ये चीज़ें पढ़ी जरूर है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा दिखाया भी करते थे, आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जरूरी है कि उनको बताया जाए। बिल्कुल, वो इस तरह लेते तो हर चीज मिल गई, चूँकि आपको पता है कि हम लोग अब मैं हैरान हो रही थी कि हम लोग इस वक्त भी वो मिली नगमे पढ़ रहे हैं। हाँ। अब इस वक्त वो मिली नगमे नहीं लिखे जा रहे हैं, ना कोई पढ़े जा रहे हैं, ना हमारे पास वो शायर है, ना हमारे पास वो लिखने वाले रहे, तो मतलब ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि कुछ सालों में फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें भी भूल जाएँ,
तो इसलिए हमारे पास नई चीज़ें आनी चाहिए, नई यूथ को चाहिए कि उस चीज़ पे काम करें अपने मुल्क के हवाले से। जैसे अब इतने पुराने जीवे जीवे पाकिस्तान पढ़ रहे हैं हम लोग और सोनी धरती पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम नई चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमारी नई यूथ को वो चीज़ें आएँ। बहरहाल मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से यही कहूँगी, जैसे हम लोग हैं, यकीन मानिए मैं अपने सियासत के हवाले से इतनी एम्बिशियस हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसमें शौक़ था कि मैं आगे आऊं और कुछ मुल्क के लिए करूं, कर भी रही हूं, जो जितना मेरे दायरे इख्तियार में आता है मैं कोशिश कर रही होती हूं कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, किसी भी हवाले से कहीं तारीख में ऐसा कुछ ना लिखा जाए, इसलिए बहुत फूंक फूंक के कदम उठाती हूं। आसपास आपको बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उनसे बच बचा के और उनसे हट के उनको नेगेटिव उसमें लेके बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल बचपन से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो आपको सुहेल राणा अंकल के जो गाने हुआ करते थे आप भी सुना करती थी? बिल्कुल सुना करते थे। एक दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपकी पसंद का नगमा जो होता था मिल्ली वो कौन सा था। जी जनाब, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी मैं सायरा बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है सायरा आपके? ठीक है और हमारा प्यारा सा लाहौर ठीक है? हाँ माशाल्लाह सब ठीक है। आपको ईद मुबारक हो। बिल्कुल जी, ईद मुबारक मेरे लिए। ईद का बहुत मुश्किल से आपका नंबर मुझे, बहुत मेरी दिली ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है कसम से। अरे बस मैं बहुत आपसे बात करना, मैंने ना एक आपका एक दफा आपने ना खीर बनाना बताया था, उसमें शायद आपने वो खशखश या कुछ कंडक्ट मिल्क वगैरह बना के बनाना बहुत देर हो गई बनाया था। जी जी जी। तो मेरे से कॉपी वो गुम हो गई हुई है। अच्छा, आप वो बना देंगे तो आप मुझे बहुत वो खुशी होगी, मैं बना के बहुत अच्छा मेरे घर वालों को पसंद आया था वो। अच्छा जरूर जी, वो मेरी अम्मी की खास और खास रेसिपी है। आप यही बात मेरी हमारे अपनी घर की मेरी अम्मी की वो अम्मी, मैं तो इंतजार कर रही थी, यकीन करे मेरा हाथ तक गया, मैं इतनी मुश्किल से मेरी कॉल मिली है। मैंने तो आप लोगों की मोहब्बत इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर बिजी रहता है, आप लोगों का प्यार आप लोगों का अपनापन है। थैंक यू सो मच। हम जरूर आपको अम्मी वाला जो है ना वो खशखश के साथ जो शीर खुरमा बनता है वो बनाना सिखा देंगे। अम्मी वॉज टू गुड एट मेकिंग शीर खुरमा, लेकिन ये कि कुछ थोड़े से जरासीम इस छोटी सी बच्ची में भी आ गए माँ की तरबियत, अम्मी की बच्ची में आ गए हैं। आप ये अभी क्रिटिसिज्म ना शुरू कर दीजिएगा कि फराज हाजम खान ने अपने आप को बच्ची कह दिया, मैं अपने आप को अपनी अम्मी की बच्ची कह रही हूँ, मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊंगी 70 साल की भी हो जाऊंगी तो वही रहूंगी। अच्छा जी, तो हम आपसे बात कर रहे थे आपको कौन सा मिली नगमा ज़ाती तौर पर पसंद था, या वो ऐसा कोई नगमा जो आप स्कूल में आप समझती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लोग इस मकाम पे आते हैं आपके शुरू से आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स थे इस तरह के, या स्कूल लाइफ में आप बहुत एक्टिव बच्ची थी, कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छी बात कि वाकई मैं स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा। मैंने स्पोर्ट्स हो या डिबेट हो या कोई भी इवेंट होता था स्कूल में, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, ये सोच के पार्टिसिपेट करती थी कि वाय इसने पार्टिसिपेट किया है तो ये अगर आगे निकल सकती है तो वाय मैं क्यों नहीं हो सकती। तो वो सोच और जज्बा लेकर मैं हर जो भी इवेंट होता था ना, मैं कहती थी बेशक फर्स्ट आऊंगी, थर्ड आऊंगी या सेकंड आऊंगी, मुझे पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। और यकीन माने ये जो आपका जज्बा होता है ना, ये जज्बा आपको जिताता है। और मैं जो जज्बा लेकर किसी भी इवेंट में जाती थी और एक अंदर अपने ये जब मैदान में उतरती थी तो मैं ये सोच के उतरती थी कि नुसरत साहब तुम जीत के निकलोगी, अंदर बार बार ये रिपीटेशन होती थी मेरी कि मैं जीत। और यकीन मानिए मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो जज्बा ये शौक था मुझे यकीन माने जिताता था। बिल्कुल, मैंने गेम्स कोई नहीं छोड़ा, टेबल टेनिस, स्क्वैश, ऑलराउंडर रही, क्रिकेट खेला, अच्छा। हॉकी खेला और मेरे पास ढेरों मेडल्स हैं। 5 times मैं सिंध गेम्स खेली, इसके अलावा मैंने कंपेयरिंग की है, डिबेट्स किया है, मतलब कोई ऐसा डिजाइनिंग की है, कपड़ों की डिजाइनिंग, मतलब एम्ब्रॉयडरी। ये था कि मैं मल्टी किस्म का एक बंदा बनूं जो जिसको हर चीज आनी चाहिए। क्यों नहीं? हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे कि एक मुकम्मल औरत जो है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो पॉलिटिशियन भी है, डिजाइनर भी है, एथलीट भी है, स्पीकर भी है, डिबेट भी है, डिबेटर भी है और MPA भी है। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नुसरत की शख्सियत के बारे में कुछ और जानते हैं और पूछते हैं नुसरत से कि क्या ऐसा काम है जो आप नुसरत हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए करना चाहेंगी। एक ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय हर लम्हा बन जाए मन पसंद मन पसंद एंड co-sponsored by बेक पार्लर रेसिपी मिक्स मसाला मिलाएं और मजेदार बारबेक्यू मैकरोनी तैयार।